बिहार लघु उद्यमी योजना का कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन चयन प्रक्रिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि आज दो बड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई है। वहीं अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना के आधार पर जो गरीब परिवार हैं उनमें प्रत्येक गरीब परिवार की एक सदस्य को 2 लाख रुपए की राशि अपना उद्योग चलाने के लिए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी से 20 फरवरी तक पोर्टल ओपन किया गया था और इन 15 दिनों की अवधि में 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज जो योजना की दो बड़ी शुरुआत हुई है और सबसे बड़ा है कि लघु उद्यमी योजना 2,76,00,000 परिवार पूरे बिहार में है, उसमें से 94,00,000 परिवार को चिन्हित किया गया है कि आगे के दिनों में फेज वाइज 5 साल में हम सभी को उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए कई सेक्टर्स में कैसे वो काम करके आगे बढ़े उसकी शुरुआत आज की गई। 2023-24 में अभी ही लॉन्च हुआ 15-20 दिन पहले और इसमें 50,000 लोगों को सीधा इसका लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ स्टार्टअप में एक बड़ी राशि सिडबी के माध्यम से और बिहार सरकार के माध्यम से लगभग 150 करोड़ का फाइनेंसिंग फंड का स्थापना किया गया है, जो आज MOU साइन हुआ है, जिसमें बिहार की सरकार के द्वारा 50 करोड़ रुपया और सिडबी के द्वारा 100 करोड़ रुपया इसमें उपलब्ध कराया गया। जैसा आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा ये घोषित किया गया कि जाति आधारित गणना के आधार पर जो भी गरीब परिवार हैं राज्य में उनमें प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को 2 लाख रुपए की राशि अपना उपक्रम चलाने के लिए, अपना उद्योग चलाने के लिए दी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 में, जो अब मार्च 24 में समाप्त हो जाएगा, इसमें हम लोग पहली बार इस योजना के अंतर्गत लाभान्वितों का चयन कर रहे हैं। हमने इसके लिए 5 फरवरी को पोर्टल ओपन किया था और जो 20 फरवरी तक खुला रहा और इस 15 दिन की अवधि में हमें 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और आज हम लोग उनमें से 50,000 लाभान्वितों का कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन, मतलब कंप्यूटर से लॉटरी द्वारा चयन करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये तय किया जाएगा कि कितनी बार रैंडमाइजेशन होगा और 50,000 के अतिरिक्त 20%, मतलब 10,000 लोगों का चयन वेटिंग लिस्ट, प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, ताकि अगर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनमें बाद में जांच के दौरान कुछ कमी पाई जाए जिनके कारण उन्हें स्वीकृति नहीं दी जा सके तो वेटिंग लिस्ट में से लोगों का चयन किया जा सके। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ये चयन मात्र इस वर्ष के लिए है और इसके बाद अगला वर्ष जो अप्रैल से चालू होगा 2024-25, इसमें पुनः इसी तरह से लाभान्वितों का चयन ज्यादा संख्या में किया जाएगा। अभी जो हमने वित्तीय राशि रखी है उससे ज्यादा राशि अगले साल उपलब्ध होगी। इस साल के बजट में हम लोगों ने 250 करोड़ रुपए की राशि रखी थी 50,000 लोगों के लिए। प्रथम किश्त के रूप में 50,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे और अगले वर्ष हमने अभी 1,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है इस योजना के लिए, लेकिन राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया है कि अगर अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार द्वारा उसे दी जाएगी। ये 2 लाख रुपए की राशि उन्हें 3 किश्तों में दी जाएगी, जिसमें पहली राशि में उन्हें अपना टूल किट या अगर कोई उन्हें अपना स्ट्रक्चर बनाना है, मशीन खरीदना है, ये सब करना होगा और बाद में उन्हें वर्किंग कैपिटल के रूप में, चूंकि छोटे उद्योगों में वर्किंग कैपिटल ज्यादा आवश्यकता होती है, तो वर्किंग कैपिटल के रूप में राशि दी जाएगी। तो सर्वप्रथम हम लोग बिहार लघु उद्यमी योजना का में लाभान्वितों का चयन करेंगे। उसके बाद दूसरा जो आज का कार्यक्रम है, जो स्टार्टअप का कार्यक्रम है, स्टार्टअप पॉलिसी बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2022 में लाई गई दूसरी, और इसमें हम लोग अभी तक करीब इस पॉलिसी के अंतर्गत करीब करीब 500 से अधिक स्टार्टअप को हम लोग लाभ दे चुके हैं।
राज्य सरकार द्वारा कई तरह के लाभ उन्हें दिए जाते हैं, जिसमें सीड फंड, सेकेंड स्टेज फंड, मैचिंग ग्रांट, कोवर्किंग स्पेसेस और उन्हें प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था है। इसी क्रम में हम लोग उन्हें और फंड उपलब्ध हो, उन्हें और राशि उपलब्ध हो, इसके लिए सिडबी के साथ एक राज्य सरकार और सिडबी द्वारा मिलकर एक फंड ऑफ फंड बनाया जा रहा है, ताकि जो स्टार्टअप है अगर उन्हें अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए, अपने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए और राशि की आवश्यकता है तो वो इस फंड में अप्लाई कर सकते हैं और इस फंड में उन्हें अपने स्टार्टअप के लिए बड़ा करने हेतु और राशि ऋण के रूप में दी जाएगी, जिसका अप्रेजल सिडबी द्वारा किया जाएगा और इसमें सिडबी और राज्य सरकार दोनों की राशि इस फंड में सन्निहित है।